बाड़मेर रेको क्षेत्र में जालोर बैंक के पीछे मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने रेको थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद रेको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। वहीं FSL टीम को भी मौके पर बुलाकर जाँच की गई। पुलिस ने शव को निजी वाहन की सहायता से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। रेको थानाधिकारी देवाराम ने बताया कि रेको क्षेत्र में मिला शव दिहाड़ी मजदूर देवाराम उम्र 35 वर्ष पुत्र अचलाराम लोहार निवासी मोतीनगर RTO ऑफिस के पीछे का है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। मृतक के शरीर पर बाहर की तरफ कोई गंभीर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे रेको क्षेत्र स्थित जालोर नागरिक सहकारी बैंक के पीछे के तरफ शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। इस पर रेको थानाधिकारी देवाराम मय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर FSL टीम और MOB की टीम को बुलाया गया। घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों से भी जानकारी ली गई।